हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग एनिमल और प्लांट में सेक्सुअलिटी स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन स्टडी किया था, उसके 3 टाइप भी देखे थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, एंड लास्ट था आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। उसी से रिलेटेड आपका सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक भी है। कैसे एनिमल्स में सेक्सुअलिटी देख सकते हैं हम लोग? कुछ एनिमल नेचर में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कुछ नेचर में ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। और प्लांट में भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ फ्लावर जो होते हैं बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लांट में फ्लावर ऐसे भी आते हैं जिनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन एनिमल्स से। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी 2 डेफिनेशन दी गई हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स की। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इजी डेफिनेशन बनाई गई हैं। देखें आप, तो फर्स्ट है आपकी, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं, तब उसे बाईसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ रिपीट अगेन, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन द सेम इंडिविजुअल देन दे आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट एनिमल या बाईसेक्सुअल एनिमल। लीच जो होता है वो बाईसेक्सुअल एनिमल है, लिवर फ्लुक जो है वो भी बाईसेक्सुअल है, और अर्थवर्म हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल या बाईसेक्सुअल एनिमल ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड टाइप, सेक्सुअलिटी की बेसिस पे सेकेंड टाइप एनिमल्स कैसे होते हैं? व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है कि मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल जो होते हैं वो सेपरेटली होते हैं। यहाँ इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि मेल जो पर्सन होगा या मेल इंडिविजुअल होगा उसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन फीमेल कैंडिडेट में होगा या फीमेल इंडिविजुअल में होगा। ओके, नाउ तो ये दोनों ही सेपरेट, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही सेपरेट होंगे। तो व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर सेपरेटली देन दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। ठीक है, तो यहाँ पे या तो उन्हें यूनिसेक्सुअल कहा जाता है या डायोसियस कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉकरोच जो होता है मेल फीमेल सेपरेट होता है, अलग अलग पाए जाते हैं। किसी भी मैमल में आप देखेंगे तो मेल फीमेल अलग होते हैं, बर्ड में भी मेल फीमेल आपको अलग देखने को मिलेंगे, और ह्यूमन में तो आप जानते ही हो मेल एंड फीमेल सेपरेट देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग प्लांट में सेक्सुअलिटी देखेंगे। तो प्लांट में फर्स्ट पॉइंट आपका है, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द सेम प्लांट। जैसा कि एनिमल के फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट टाइप में देखा था, वही कंडीशन यहाँ पे है। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसे बाईसेक्सुअल कहेंगे या बाईसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। ठीक है, नोट यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है, टर्म होमोथेलेज्म इज यूज इन प्लेस ऑफ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल की जगह कहीं कहीं आपको होमोथेलेज्म भी लिखा मिल सकता है। तो ये एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो चाइना रोज का बॉटनिकल नेम है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी प्रेजेंट है, और आपका ऊपर जाके एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है
वो भी प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज जो होता है वो बाईसेक्सुअल प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज व्हेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग अगर प्लांट पे देखने को मिलें तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यूनिसेक्सुअल का मतलब ही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज में मेल और फीमेल सेपरेट होना, ओके। नाउ इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। नोट लिखा है टर्म हेट्रोथेलेज्म इन प्लेस ऑफ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के प्लेस पे हम लोग हेट्रोथेलेज्म का भी प्रयोग देख सकते हैं कहीं कहीं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जैसे आपका फंजाई हुआ, एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, ये सारे यूनिसेक्सुअल प्लांट कैटेगरी में आते हैं। थर्ड टाइप है आपका इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। दोज प्लांट हैविंग ओनली मेल फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिनमें केवल मेल फ्लावर ही आते हैं आर कॉल्ड स्टेमिनेट, उन्हें स्टेमिनेट कहा जाता है, ओके। जैसे यहाँ पे स्टेमेंस ही हैं फ्लावर में, ओवरी या पिस्टिल एब्सेंट है और ये स्टेम पर प्लांट फ्लावर है, ओके। ये एक एग्जाम्पल है स्टेमिनेट फ्लावर का। यहाँ ये केवल मेल सेक्सुअलिटी रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ टाइप है आपका इन एंजियोस्पर्म दोज प्लांट हैविंग फीमेल फ्लावर्स ओनली, ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट जिनमें केवल फीमेल फ्लावर ही आते हैं उन्हें हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? पिस्टिलेट कहते हैं। जबकि पिछले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था जिनमें मेल फ्लावर आते हैं उन्हें हम स्टेमिनेट कहते हैं, क्योंकि स्टेमिन्स रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जबकि पिस्टल रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ओके। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी इन प्लांट देखें क्या है। फिफ्थ पॉइंट व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर अकर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, मेल और फीमेल फ्लावर अगर अलग अलग प्लांट पे आते हैं तो देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायोसियस, ओके। ऐसी कंडीशन को हम डायोसियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पपाया, पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं और मेल में फ्लावर अलग टाइप का आता है जबकि फीमेल में अलग टाइप का आता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया। अगर आप पपाया का एक प्लांट लगाते हैं तो उसमें फ्रूट डेवलप नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर सेपरेटली, जब मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेटली पाए जाते हैं बट ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर, ठीक है, इट इज कॉल्ड मोनोएसियस टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी। अब देखें यहाँ पे मेज का प्लांट दे रखा है, मेज में आप फर्स्ट इसमें डायग्राम में देख रहे हैं या फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन लगे हुए हैं, मींस एंथर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेंस वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि इधर सेकेंड फिगर में आप देख पा रहे हैं फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, तो दोनों ही सेपरेटली प्रेजेंट हैं बट एक ही प्लांट पे, ओके। तो इस टाइप की जो सेक्सुअलिटी होती है प्लांट में वो मोनोएसियस कहलाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाईसेक्सुअल सेक्सुअलिटी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट होते हैं दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाईसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं।